हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने बस स्टॉप पे, और अभी तक बस आई नहीं है। आज कितना टाइम हो गया? आठ दस हो चुके, पंद्रह हो गया। आज हम लोग समय से पहले आ गए, थोड़ा सा क्योंकि बस अभी तक आई नहीं है। और आए हुए और अरे हम लोग समय से पहले भी आए और बस भी लेट है आज दोनों में। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग जहाँ खड़े हैं वहीं पे भगवान राम की जो प्रतिमा लगी थी कल, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो यहीं पे लगी है गाइस। तो अभी फिलहाल देखिए मैं, आदि और मांडवी तीनों लोग खड़े हैं। प्रीतम भैया छुट्टी पर, क्योंकि उनको घर जाना पड़ा इस चक्कर में, तो वेट कर रहे हैं बस का, देखिए कितने देर में आती है। और ठंड भी गाइस आज बहुत ज़्यादा है, हवाएं बहुत तेज चल रही है, इस चक्कर में ठंड बहुत ज़्यादा है आज। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं बस में, और फिर मैं आज फिर से बैठा हूँ अपने गोपी के बगल में। देख रहे बंदा बिल्कुल सो रहा है। ओ गोपी, क्या बात, तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? नहीं, सो कैसे रहो सुबह सुबह? बेचारा बहुत जल्दी, कितना बजे उठे आज? बहुत जल्दी उठ जाता है गाइस, हमें 5 लंच बना के लाया। नहीं जी, तो नहीं बन पाया यार। आए हाय, अरे बंदे का भी जिंदगी यार, क्या बताए, सो जाता सो फिर सो। ये आज बंदा हमारा बिगड़ रहे नितिन भाई बगल में, और आज पीछे कैसे भाई आगे बैठने वाले बंदे? सब भी जरूरी की चेकिंग चल रही है। अच्छा, इसी रीजन से ना ठंड तो आज काफ़ी बढ़ गई है, हवा बहुत तेज है आज। भूपेंद्र इसीलिए सुस्त पड़ा हुआ, देखो कोने में घुस के वहाँ से ठंड इससे भी लग रही है। उन्होंने भूपेंद्र जी ने प्रतीक सर से अर्जी लगाई है कि इसके अंदर एक बाथरूम बनाया जाए और एक टंकी लगवाई जाए। यही कल से वो लेके आएंगे। सच में यही सो गए? तो चलिए अब चलते हैं ऑफिस की ओर। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई सच में, बस मेरे साथ चारों तरफ कोहरा कोहरा सा लगा हुआ है कांच में। तो गाइज देखिए शाम के बज चुके हैं 7, और गाइज आज मैं, भूपेंद्र, मांडवी और आदि सब लोग थोड़ा लेट ऑफिस से जा रहे हैं, थोड़ा अर्जेंट हो कि वैसे सबको रुकना पड़ गया। तो अभी फिलहाल गाइज हम लोग सर के साथ ही निकल रहे हैं, देखिए। तो चलिए गाइज फटाफट बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से। ठंड बहुत तेज लग रही है भूपेंद्र, बहुत भयानक वाला ठंड है भाई साहब, देख रहे हैं। तो गाइज हम लोग ऑफिस से आ चुके हैं घर, और गाइज मैं गया था नीचे बाइक से, इतना भयानक ठंड की हाथ दी कैसा हो गया, सुन्न हो गया हाथ बिल्कुल ठंड से, बहुत भयानक ठंड है गाइज। तो चलिए फटाफट से कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, थोड़ा काम लग गया गाइज ऑफिस से आने का, जस्ट मुझे नीचे जाना पड़ा था। तो चलिए अभी चलते हैं गाइज। अभी मैं और आदि यहाँ पे बैलून वाला चैलेंज कर रहे थे, बैलून टू कप थ्रो वाला चैलेंज गाइज, और उसमें आदि ने मुझे इतना गंदे तरीके से हराया है, क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से हराया, मतलब मैं तो एक बैलून भी सही से ठीक से लगा नहीं पाया था, और आदि ने बिल्कुल भाई साहब पूरा का पूरा गुंबद बढ़िया से बना दिया। तो और उसके बाद फिर बेचारा आदि को मिला चॉकलेट गिफ्ट में, तो सब लोगों को खिलाया, फिर वो मुझे भी दिया, भाभी भैया सबको। और देखिए बेचारा इधर बिजी हो रहा है फ़ोन में, कहाँ बिजी है आदि? हाथ में लग गया था गेट गाइस। तो चलिए अभी हम लोग दूसरे गेम की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं कोई और गेम खेलते हैं अभी। तो प्लीज़ गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और शॉर्ट्स को भी प्लीज़ देखिए, उसको भी लाइक कीजिए गाइस। तो चलिए फिलहाल अभी दूसरा गेम का तैयार करते हैं, उसके बाद फिर वो गेम खेलने के बाद फिर हम लोग आगे कुछ खाना पीना खाएंगे। भूख भी बहुत तेज़ लग रहा है गाइस, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद अभी कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो चलिए कुछ सोचते पहले कुछ गेम खेलते हैं। तो गाइज अभी मैं, भैया और आदि ढेर सारा अभी शॉर्ट्स वीडियो बना रहे थे, मस्त मस्त कॉमेडी वाला। तो गाइज आप लोग देखिए, बहुत मजा आएगा देखने में। तो अभी गाइज अब हम लोगों ने सारा पैकअप कर दिया, तो अब जो जो मैंने सामान बिखेरा था वो सब अरेंज करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग गाइज डिनर करने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगी है मुझे। तो फिलहाल चलिए जो जो सामान मैंने दाएं बाएं खिसकाया है, वरना फिर रेल बन जाएगी मेरी, भाभी की डांट सुननी पड़ेगी। वैसे भाभी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन चलिए फिलहाल अभी सारा सामान अरेंज करते हैं फटाफट से। तो गाइज सारा सामान अरेंज करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं रात का डिनर करने के लिए। ओ माय गॉड गाइज, आज रात को बना है देखिए आलू का पराठा। हाय हाय हाय, आलू का पराठा गाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने, मेरा फेवरेट है बिल्कुल। और ख़ास बात यह है गाइज कि अभी ये दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है ना, इसमें नया नया आलू होता है हमारे गाँव में, तो
मतलब आलू की खेती होती दादाजी करते थे पहले, और पापा भी करते हैं। तो गाइज मतलब आलू जब नया नया होता था तो लगभग हफ्ते में 2-3 बार तो बन ही जाता था आलू का पराठा, तो इस चक्कर मेरा फेवरेट है और ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना आलू का पराठा। और खासकर गाइज सर्दियों के दिन में अगर गर्म गर्म खाना आपको मिल जाए और खासकर वो भी रोटी टाइप से कुछ पराठा वगैरह, तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है खाने में। तो चलिए अभी फिलहाल धनिया का चटनी और साथ में लेते हैं सेजवान की चटनी और फिर खाते हैं अपना टेस्टी सा आलू पराठा। तो चलिए आपको फटाफट से खाते हैं और फिर दिखाते भी हैं। तो गाइज ये देखिए सेजवान की चटनी और ये धनिया का चटनी साथ में आलू का पराठा मैं लेके जा रहा हूँ। ये देखो ये लोग पहले से ही बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं भैया। अच्छा मेरा अच्छा खीर भी है। ओ भाई साहब मेरा खीर भी आया होगा ये देखिए। तो आदि तो बिल्कुल फिनिश करने का इंतजार कर रहा है। भाभी आप नहीं खा रहे हैं आज? 8 बजे दो पराठा खा चुके थे, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, देखते हैं खाएंगे। अच्छा तो गाइस देखिए अब तो और भी चीजें बढ़ गई, साथ में खीर भी ऐड हो गया। तो चलिए ब्लोअर के सामने सेजवान का हम बताऊं से आदि का कोई नहीं, हम ले नहीं अपने खा लेंगे। तो चलिए गाइस खा लेंगे ना, उतना उठा के डाल दो, बर्बाद नहीं करो ये, कोई हम खा लेंगे इतना, हमको कोई दिक्कत, हम खा लेंगे। ये भी तो खाना है। तो आदि तो खाएंगे ना, ले लिया था कोई नहीं, ठीक है आदि खा लेंगे। अच्छा नहीं लग रहा आदि को क्या? तो गाइस हम लोगों ने खाना तो खा लिया है, बहुत मजा आया गाइस खा के आलू पराठा। और पता है भैया भैया आज जो आदि हरा है ना गेम में, हमको इतना गंदा हम आज तक कभी नहीं हारे थे। बिल्कुल मतलब बोलते ना जैसे पाकिस्तान इंडिया कैसे हारा था पाकिस्तान को 80 रन का ऑल आउट, वैसी मेरे साथ होगा। दुइयों को नहीं रख पाया बताए, रेल बना दिया भाई रेल, क्या बना? ये ऐसा कुछ नहीं है, जो क्या है उसमें एक चीज है ना, खाने खाने पे लिखा होता है दाने दाने दाने। चलो ठीक है करेक्ट माय वर्ड्स, ठीक है। तो दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो उस चॉकलेट के ऊपर नाम पहले से लिखा हुआ है। अच्छा हम अकेले खाए हैं? नहीं ये बात तो सबको दी है आदि, ये बात तो मानना पड़ेगा। चार हिस्सा लगा है तो आप तो बड़प्पन ना है जी, ऐसे ऐसे काट करके हम जीते थे उस दिन भी, पूरा हिस्सा का पूरा चॉकलेट आप लेके दौड़ दिए थे याद है? आदि को ऐसे लगे अकेले खा लेते आदि चॉकलेट नीचे उसके ऊपर आदि अच्छा कवर लगाए आदि, कवर तो बड़ी अच्छा लगाया है। इतना छोटा अगर हो जाइएगा और आपको फोन पे चढ़ना होगा तो कहीं चढ़िएगा किस जगह? सीरियल ना पहले वॉल्यूम बटन पे छोटा रहिएगा, छोटा रहिएगा इधर ना गाइस इतना छोटा, तो सीढ़ी कहाँ से बनाइएगा, सीढ़ी कहाँ से लाइएगा? माचिस का तिल्ली का सीढ़ी उठी रहेगा, माचिस का तिल्ली का है, माचिस का तिल्ली उठाने में आपको 2 दिन लगेगा। मेहनत तो करना ना, मैं एक बार शिक्षक पढ़ते हैं चढ़ के हम करेंगे क्या इस पे, तो सोने के लिए तो इसी बनना जी, इतना इतना दूर नहीं निपट जाइएगा, इतना में हम सोच जाएंगे इतना भैया है इतना भाभी लंबे है ना, आज तो कह रहे घरों बना लेंगे हम लोग ऐसे करके बिल्डिंग तो आगे अगर सब मारे इतना छोटा रहेगा और आपको बाथरूम जाना होगा तो कैसे जाएगा? ये जाने की जरूरत क्या, जहाँ गड्ढा मिले सही बात, बिल्कुल सही बात भाई साहब, क्या आपके अंदर जो छोटा सा गड्ढा वही बाथरूम है जी। फिर आदि के लिए वाला बाथरूम होता, देखिए आदि ये वाला आपको बाथरूम ये वाला उसमें भी आपको 10 दिन लगता भरने में। आजकल पता आज क्या है कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर वगैरह है जो छोटा छोटा बर्तन इतने बनाता, हम भी देखे तो वही वाला बर्तन आपको मिलता है, वो लोग का वीडियो भी अच्छा लगता है, वो लोग बनाते हैं वो पक भी जाता है, रोटी तो कैसे बना लेते हैं, चिकन मटन चिकन नहीं चावल, 5 गो चावल दाना का डाल देंगे, चावल दाल सब्जी पापड़
मस्त बनाता है। उस दिन देखे जब वो बनाया था वो लोग, मतलब दही बड़ा बनाया था वो लोग उसी में। हाँ चावल को उसी में, चावल और जो ये कौन सा दाल होता है इसको, दही बड़ा उड़द, उड़द उड़द का दाल मतलब फुला दिया तो उड़द का दाल चावल और उसी में आदि आदि कहाँ जा रहे हैं मत, यही पाउडर बना दिया आदि, यही छोटा सा गड्ढा देख लीजिए बहन, यही पे छोटा सा गड्ढा देखिए आदि। तो गाइस चलिए खाना तो खा लिया, आप थोड़ा सा टहल लेते घर में ही, बाहर जाने का तो गाइस अभी औकात नहीं मेरी सच में, को इतना ठंड है बाहर बिल्कुल रेल बन जाएगा अभी, और रात को गाइस वो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ भी जाती है बहुत ज़्यादा, अभी टेम्परेचर गाइस लगभग 7 डिग्री है, 7 या 8 है शायद, ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस आज, और हवा भी चल रही बहुत तेज। भैया वैसे तो ठीक है लेकिन आज का पराठा खाने आपको कैसा लगा, हमको तो बड़ी मजा आया लगा, मतलब इतना मुलायम मुँह में रखते ही बिल्कुल पेट में जा रहा था मस्त एकदम। पराठा तो जब उस समय 7:30-8 बजे के आसपास खाए थे हम, एक पराठा खाए थे बिल्कुल गरम गरम जबरदस्त, बिल्कुल रोल किए और खाए, मस्त क्रिस्पी लग रहा था एकदम क्रंची। हम लोग कहते हैं थोड़ा सा ठंडा, ये ठंडा होने के बाद इतना मुलायम था पतला पतला मस्त। हाँ, उसको बना था आज का पराठा, पर मैं रैप किया हुआ था ना तो इसीलिए थोड़ा ऐसा लग रहा था, लेकिन गरम गरम खा तो और मजा आता। तो बाहर का ठंड कैसा है, बाहर ठंड तो है के बाय गुड नाइट। तो चले गाइज रात के बज चुके हैं 11:45 और चलते हैं आज थोड़ा सा जल्दी सोएंगे गाइज 15 मिनट, वैसे गाइज 12 बजे के बाद ही सोते हैं हम लोग। और गाइज आज सीरियसली में पराठा आज का बहुत तगड़ा बना था, साथ में सहदवान की चटनी के साथ खाने में तो और ज़्यादा मज़ा आ गया। तो चलिए अब चलते हैं सोने, एंड आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गुड नाइट।